भारत के साथ साथ विश्व के अधिकतर देश कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में लोगों ने कोरोना से जंग लड़ी। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है और कई ऑनलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी है, GIS मैपिंग टेक्नोलॉजी। तो जानते हैं GIS टेक्नोलॉजी है क्या और COVID-19 वैक्सीन वितरण में किस तरह मददगार होगी। GIS टेक्नोलॉजी क्या है? GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी मैपिंग की एक टेक्निक है जिसमें मैप्स तैयार किए जाते हैं और डेटा का एनालिसिस होता है जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। GIS सिस्टम सभी प्रकार के डेटा को एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है और इस डेटा को किसी भी डिसीजन मेकिंग में उपयोग करने के योग्य बनाता है। ये टेक्नोलॉजी गूगल मैप्स की तरह काम करती है। याद दिला दें कि GIS मैपिंग सॉफ्टवेयर कोई नया नाम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बीते 50 सालों से काम कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान केसेस की अपडेट एवं हॉटस्पॉट जोन की जानकारी जिन डैशबोर्ड्स पर देखी जा रही थी उनका आधार भी GIS टेक्नोलॉजी ही था। GIS टेक्नोलॉजी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में इसरी इंडिया के प्रेसिडेंट श्री अगेंद्र कुमार ने बताया कि GIS टेक्नोलॉजी वितरण में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच इस महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है। इस प्रोग्राम के सफलता के लिए एक सक्षम एवं प्रभावशाली योजना की जरूरत होगी। सटीक एवं रियल टाइम ट्रैकिंग की वजह से GIS पूरी वैक्सीन वितरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।